मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट, आई एम ए कंप्यूटर टीचर फ्रॉम ड्रीम इंडिया स्कूल कुरुद। आई एम गोइंग टू लेसन नंबर 5th, ऑपरेट योर कंप्यूटर। हमने प्रीवियस क्लास में ऑपरेट योर कंप्यूटर में डेस्कटॉप, माय कंप्यूटर के बारे में और आइकन्स के बारे में पढ़े थे और फोल्डर को भी देखे थे। तो आज हम कंटिन्यू पढ़ते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं प्रोग्राम्स को। स्टार्टिंग एन एप्लीकेशन। व्हाट इज एन एप्लीकेशन? एप्लीकेशन क्या है? एन एप्लीकेशन इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल इज एन एप्लीकेशन। हम एग्जांपल में देखते हैं एप्लीकेशन। पेंट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स। हम लोग पेंटिंग में कुछ देखते हैं प्रोग्राम्स के बारे में, कैसे पेंटिंग में कलर करते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं। हाउ टू स्टार्ट एमएस पेंट। हम एमएस पेंट को कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टेप 1, टू स्टार्ट पेंट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। हम स्टार्ट बटन क्लिक करके पेंट सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स और ऑल प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट एसेसरीज और उसमें एसेसरीज नाम के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट पेंट प्रोग्राम और यू में सिंपली क्लिक ऑन द पेंट प्रोग्राम। हम पेंट प्रोग्राम को क्लिक करते सिंपली और पेंटिंग करते हैं। इफ़ यू हैव पिनड इन टास्क बार द पेंट विंडो अपीयर्स। हमारे सामने पेंट बटन में कुछ विंडो पे पेंटिंग करने के ऑप्शंस मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं। दिस इज ए पेंटिंग एप्लीकेशन। यह एक पेंट करने का एप्लीकेशन है, इसे देखते हैं। टाइटल बार। द टाइटल बार शो अस द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड नेम ऑफ द फाइल। हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर में टाइटल बार का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उस फाइल का नाम जिस प्रकार से हम सेव करते हैं अनटाइटल्ड पेंट, तो वैसे हमारा नाम भी यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार देयर आर 3 बटन्स आर शोन हियर। द लेफ्ट मोस्ट वन इज द मिनिमाइज बटन, द मिडिल वन इज रिस्टोर बटन एंड द वन ऑन द राइट इज द क्लोज बटन। हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड में हमारे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं टाइटल बार में। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं और इससे हम लोग करते हैं क्लोज कर देते हैं एप्लीकेशन को। स्टेप 2, क्लिक ऑन द मिनिमाइज बटन टू मिनिमाइज द पेंट विंडो बटन सेव इन टास्क बार। हम लोग टास्क बार में क्या करते हैं, मिनिमाइज रूप में हमारा एप्लीकेशन रहता है। लुक एट द टास्क बार इन द पिक्चर गिवन एबो। ठीक है, हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि हमारे टास्क बार में कुछ पिक्चर्स डिस्प्ले कर रहे हैं। ये फोल्डर्स के हैं, स्टार्ट बटन्स के और ये पेंट के पिक्चर्स हैं। द एरिया बिटवीन स्टार्ट एंड टाइम यूजेस ऑफ द रनिंग एप्लीकेशन विच इज एम एस पेंट इन दिस केस। हमारा एप्लीकेशन पेंट एम एप्लीकेशन रन कर रहा है, इसलिए हमको मिनिमाइज के रूप में टास्क बार में डिस्प्ले हो रहा है। स्टेप 3, टू ओपन द वर्डपैड एप्लीकेशन। अब उसके बाद हम लोग वर्डपैड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। क्लिक स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज एंड वर्डपैड पे हम लोग जाएंगे। द फॉलोइंग स्क्रीन अपीयर्स और स्क्रीन को फॉलो करेंगे। हमको इस प्रकार से वर्डपैड डिस्प्ले होता है और इससे हम डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। स्टेप 4, टाइप योर नेम एंड द नेम ऑफ 5 ऑफ योर फ्रेंड्स। हम लोग उस फाइल का नाम या अपने नाम से या फ्रेंड के नाम से सेव करते हैं। स्टेप 5, टू सेव द डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन फाइल। हम लोग फाइल को पे जाते हैं और सेव अस पे क्लिक करते हैं। द सेव अस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स और हमारे सामने सेव अस डायलॉग बॉक्स का विंडोज ओपन हो जाता है। स्टेप 6, एंटर फाइल नेम अस माई फ्रेंड्स एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। वहाँ पर हम लोग अपने फ्रेंड्स का नाम लिखते हैं। मैंने यहाँ लिखा माई फ्रेंड्स एंड सेव बटन पर मैंने क्लिक किया तो हमारा इस फोल्डर में फाइल का नाम क्या होता है, माई फाइल नाम से सेव हो जाता है, माई फ्रेंड नाम से सेव हो जाता है। स्टेप 7, क्लोज वर्डपैड बाय क्लिकिंग द क्लोज बटन लोकेटेड एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार। हम लोग क्या करते हैं, टाइटल बार के राइट साइड में टॉप में एक क्लोज बटन रहता है जिसको हम क्लिक करके वर्डपैड को क्लोज करते हैं। स्टेप 8, क्लिक द मिनिमाइज
paint window which is in the square button, save to restore it back to its original position and close it by clicking the close button located at the top right corner of the title bar. राइट साइड में हमारे का रिस्टोर बटन रहता है टाइटल बार के, जिससे हम रिस्टोर कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं. स्टेप 9, क्लिक द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट शट डाउन ऑप्शन लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन. हम लोग जाते हैं स्टार्ट बटन के राइट साइड में, एक शट डाउन का ऑप्शन होता है जिससे हम लोग वहाँ पर क्लिक करके एप्लीकेशन या कंप्यूटर को बंद करते हैं. Your computer will shut down. There are different options to shut down computer. In order to see the different options, click on the arrow beside the shutdown button. You may select any option and try to understand the use of different options from the your teacher. हम लोग different ऐसे computer को बंद करने का options रहता है, जिससे हम लोग computer को बंद करते हैं. Step 10, after shutting down the computer, you have to switch off the UPS monitor and the power supply switch also. हम लोग UPS को मॉनिटर को और पावर सप्लाई को मेन स्विच से बंद कर देते हैं, इससे हमारा कंप्यूटर बंद होने का तरीका पता चल जाता है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.